कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बहुत बढ़िया होना चाहिए। बच्चा कह रहा है, सर आपने गाना ये क्यों गाया? मैंने इसलिए गाया कि एक तो इसके अंदर मोटिवेशन है, और दूसरा जब हम एक साथ चलते हैं ना, जब पूरी की पूरी फैमिली एक साथ चलती है, तो लोग भी सोचते हैं कि वाकई ये फैमिली जो है पूरी की पूरी साथ है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिल से, कि इस फैमिली को इतना बड़ा बनाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। इतना मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। कई बार मेरा मन करता है कि यार मैं छुट्टी ले लूं, बट मुझे लगता है कि मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे ना, मैं छुट्टी कैसे ले लूं। तो सर आपका प्यार मुझे यहाँ पे खींच के लाता है, बस ये प्यार ना बनाए रखना, मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरी की पूरी जान लगा दूंगा हर एक बच्चे के जून में एग्जाम निकालने में, बस एक बात ध्यान देना, ठीक है जी? चलो इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर स्टार्ट कौन सी हो रही है? अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, और आज हमें एक नया चैप्टर करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का। लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट की सारी अमेंडमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपके ज्यादा डाउट्स नहीं थे, जो भी डाउट्स थे वो मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिए थे। उम्मीद करूंगा सबके डाउट्स का रिप्लाई मिल गया होगा, अगर नहीं मिला उस डाउट्स को एक बार लिख लेना जी, आने वाली क्लास में रिजोल्व कर दूंगा, नहीं तो जब भी मेरे डाउट सेशन होंगे उस डाउट सेशन के अंदर पूछ लेना, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी? इधर देखो ध्यान से जी, अब आज की अगर मैं अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 की बात करता हूँ ना, तो आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है जी, उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस काफ़ी सारे आए हैं, और एक सिंगल सेक्शन है जो नया इंसर्ट हुआ है, जो आपने दिसंबर 20 के अंदर पढ़ानी था। मतलब जिनके भी एग्जाम दिसंबर 20 में थे, अब आपके एग्जाम जून 21 में है या मई 21 में, एक सिंगल सेक्शन ऐसा है जो नया इंसर्ट हुआ, आपने पहले पढ़ानी था, और बाकी जो आपने पहले पढ़ा था उसमें भी कुछ चेंजेस आ चुके हैं इस चैप्टर में, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है? तो अभी जितने बच्चे सामने मुझे बैठ के घूर रहे हैं ना, नलायको ऐसे मत घूरो, मैंने कौन सा पाप कर दिया? बच्चा कह रहा है घूर नहीं रहे, वो क्लास देख रहे हैं आपके, आपको लग रहा है हम घूर रहे हैं। हाँ, तो अब ध्यान सुनना, आज की जो भी हम अमेंडमेंट्स करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराऊंगा बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आपके एग्जाम आपके एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ सर, इस बार के जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो अमेंडमेंट्स के बिना बन ही नहीं सकते, बस ये बात ध्यान देना, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? लो जी इधर देखो ध्यान से, आओ जी अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करते हैं जी। फटाफट सभी बच्चों को बुला लो, जितने भी बच्चे हैं ना जल्दी से जल्दी अब फटाफट से ग्रुप में शेयर कर दो और उनको बुला लो जी। अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो नॉर्मल डिस्कशन थी वो सारी सर की हो चुकी है, अब क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? लो जी इधर देखो ध्यान से जी, अब अगर मैं अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 की बात करता हूँ, आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2 हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है? अच्छा, पहले 10 से 15 मिनट जो होंगे ना, मैं रिवीजन कराऊंगा पुरानी जो आपने दिसंबर के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि जब तक पुराना रिवाइज नहीं होगा तो नया भी समझ में नहीं आएगा। और मैंने वैसे घर से कहा था कि एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ के आना, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा, काली मात आएगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में, कितने बच्चे घर से एक बार रिविजन करके आए हैं? झूठ मत बोलना जी, पेपर आने वाले हैं फिर मत कहना कि ये दिक्कत आ गई है, झूठ मत बोलना। कितने बच्चे रिवीजन करके आए हैं घर से, सिर्फ एक बार रीड करके आए हैं? जल्दी लिखो फटाफट से। बच्चा कह रहा है लिखूं ना लिखूं, सर ने पाप चढ़ा दिए। सर अपने आपसे देखो, चीटिंग करोगे अपने आपसे करोगे, मुझसे नहीं करोगे, ऑनेस्टी से लिखना अगर आप रिविजन करके आए हो जी। कई बच्चे तो मुझे लग रहा है रिविजन करके आ रहे हैं, बट कई बच्चे नालायक हैं, वो कह रहे हम क्यों करके आए, आप हो तो सही रिविजन कराने के लिए, हमने आपको सर एक ठेका दे रखा है, आप हमें रिविजन कराओ, हमें रिविजन नहीं करनी। नालायको मैं तो रिवीजन करा ही दूंगा, बट अगर आप घर से करके आते ना तो और बढ़िया तरीके से समझ में आता, ठीक है? चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार दोबारा से रिवाइज करवाने की, 10 मिनट मेरे साथ लगा देना, उसके बाद फिर जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे, और जितनी भी क्लास होगी आपने लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट में जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस लेवल का होगा जो इस बार के एग्जाम में आएगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी? बट उससे पहले प्रोविजन समझने पड़ेंगे, अमेंडमेंट समझनी पड़ेंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व होगा, उससे पहले सोल्व नहीं हो सकता। चलो जी इधर देखो ध्यान से, आओ जी एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का है। पूरी क्लास मेरे पहले मुझे फटाफट से रिवाइज कराए, याद करो जब हमने क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 5 से लेकर 9 तक आपके जो भी सेक्शन होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। पूरी क्लास आवाज मार दे, सेक्शन नंबर 5 किसका था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। तो पहली जानकारी यह है कि सेक्शन नंबर 5 में कोई भी सिंगल चेंज नहीं है, मतलब जो दिसंबर 20 के नोट्स थे वही सेम नोट्स आपके अब काम आ जाएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर अगर मैं सेक्शन नंबर 6 की बात करता हूँ, वो किसका था रही, रेजिडेंशियल स्टेटस। याद करो मैंने कहा था रही, पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा, नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 6 में थी।
तो सेक्शन नंबर 6 जो है ना उसके अंदर चेंजेस आए हैं और एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 6(1) कैपिटल ए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेक्शन 6(1) पहले भी था, 6(1) आज भी है, बट एक नया सेक्शन आया है 6(1) कैपिटल ए। अब वो नए सेक्शन में क्या लिखा है वो आज की क्लास में हम समझ लेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 था जी, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। याद करो सैलरी के अंदर मैं डिस्कस किया था, तो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस का बट वो लिंक करता है सैलरी से, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। और सेक्शन नंबर 8 मैंने कहा था नॉर्मली वो हमारे किसी काम का नहीं है। और 9 हमारा था इनकम डीम टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, वो सारी की सारी बातें भी सेम है ऑलमोस्ट जो आपने दिसंबर के अंदर पढ़ी थी। अब जो मेन अमेंडमेंट आई है ना वो अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। अब बच्चा ये बात कहता है कि सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर जो हमने सेक्शन 6 में वो रेजिडेंशियल स्टेटस सीखा था क्या वो सारा का सारा चेंज हो गया, मतलब क्या वो हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा या वो कॉन्सेप्ट आज भी हैं? वो कॉन्सेप्ट आज भी हैं, बट चेंजेस कहाँ पर आए हैं उसको करने से पहले एक बार मुझे फटाफट से रिवाइज करा दो जो आपने सेक्शन 6 के अंदर पहले पढ़ा था। अब अगर मैं सेक्शन 6 की बात करता हूँ, याद करो सर मैंने कहा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बनना चाहता है तो दो बेसिक कंडीशन होंगी, अगर दो में से सिंगल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। पहली बेसिक कंडीशन क्या थी कि 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और सेकंड बेसिक कंडीशन थी 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन थी। और अगर इन दोनों में से सिंगल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे तो क्या बन जाओगे, इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हर बच्चा चैटबॉक्स के अंदर आंसर देगा, अगर एक पर्सन ने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी सेकंड नहीं की तो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अच्छा पहली नहीं की सेकंड कर दी तो भी क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अगर दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो भी क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। बट अगर दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तब वो जाके बनेगा एनआर, बस ये पर ध्यान देना। तो एक सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, ये सारी बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी कि जब एक पर्सन दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा फिर वो जाके एनआर बनेगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर हमें याद आ रहा है कि जब आपने क्लास में ये कंडीशन कराई थी ना तो वहां पे आपने कुछ एक्सेप्शन भी कराई थी, आपने हमें कहा था कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कंडीशन नंबर 2 हम चेक नहीं करेंगे, कंडीशन नंबर 1 ही हम चेक करेंगे, और वो आपने हमें 3 केस करवाए थे। और वो 3 केस कौन कौन से थे, याद करो, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, या अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 182 डेज चेक करोगे, सेकंड कंडीशन वहां पे चेक नहीं होगी। और एक कंडीशन वहां पे और भी थी कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होगा या इंडियन ओरिजिन का पर्सन होगा वो बाहर से इंडिया में विजिट करेगा तो उस केस में भी 182 डेज हम चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन वहां पर सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट हमने किए थे। अब सुनना ध्यान से, अब चेंजेस क्या हैं, अब वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, अभी तक आपने जो मुझे लॉ बताया ना, अभी तक आपने मुझे इसकी रिवीजन कराई है कि पहली बात तो दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, वो पहले भी सेम था, आज भी सेम है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेकेंड बेसिक कंडीशन थी 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पहले भी सेम था, आज भी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर अगर दोनों में से दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट, पहले भी सेम था, आज भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। मतलब यहां तक पुराने नोट्स ही काम आ जाएंगे, नए नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा तो एक्सेप्शन में गवर्नमेंट क्या कहती थी कि भैया इन केसेस में आपको कंडीशन 1 ही चेक करनी है, कंडीशन 2 अगर सेटिस्फाइड भी होगी तो भी आप रेजिडेंट नहीं बनोगे। और वो केस कौन कौन से थे, पहला केस था अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है या एज ए मेंबर ऑफ इंडियन क्रू बाहर जा रहा है, उस केस में 182 डेज चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, पहला केस तो ये था। और दूसरा केस ये था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा तो जब वो विजिट करेगा उस केस में 182 डेज हम चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ये आपने पहले पढ़ा था, आज भी सेम है। अब सुना ध्यान से चेंज क्या आया, अब चेंज ये निकल के आया, गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 में जो ये वाली एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन कौन सी,
कि जहां इंडिया से बाहर जा रहे हैं उस केस में नहीं, जो बाहर से इंडिया में आ रहे हैं उस केस में चेंज किया है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, आज भी 182 डेज चेक होंगे जो पहले चेक होते थे। अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, आज भी 182 डेज चेक होंगे जो पहले चेक होते थे। अब बच्चा कहता है सर फिर चेंज कहां पर आया है? चेंज वहां पर आया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में अब 182 डेज या मोर सिर्फ तभी चेक करोगे अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से कम है। सर ये आपने क्या बोला, एक बार दोबारा बोलना, ये लाइन हमें समझ नहीं आई। आराम से करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सुनो, पहले तो ये सुनो अमेंडमेंट आई क्यों, अमेंडमेंट का लॉजिक सुनो, फिर मैं अमेंडमेंट दिखाऊंगा अमेंडमेंट आई क्यों है। इधर सुना ध्यान से, होता क्या था सर, एक बात मैंने सोच के बताना। और बहुत सारे इंडियन सिटीजन ऐसे हैं या इंडियन ओरिजिन के पर्सन ऐसे हैं जो बाहर सेटल्ड हैं। अब अगर बाहर सेटल्ड है, अब अभी तक क्या तारीख, अगर वो इंडिया में विजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से मिलने के लिए आए, घूमने फिरने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती थी 182 डेज अगर सेटिस्फाइड होंगे तब रेजिडेंट बनोगे, अगर 181 डेज भी रहे तो हम आपको एनआर ही बनाएंगे, हम रेजिडेंट वाली कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब गवर्नमेंट को ये लगा कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रहते तो बाहर हैं बट उनकी इंडियन इनकम जो है, इंडियन इनकम बहुत ज्यादा है। इट मीन्स उनका मेजर रिवेन्यू जो है बाहर से तो है बट इंडियन इनकम भी जो है उनकी बहुत ज्यादा है। अब अगर उनकी इंडियन इनकम ज्यादा है या उनकी नेटवर्थ ज्यादा है या उनका रिवेन्यू ज्यादा है बट एनआर होने की वजह से कुछ इनकम ऐसी हैं जो वो यहाँ पे टैक्स पे ही नहीं कर पाते। बच्चा कहता है सर एक बात मुझे बताओ, अगर वो मान लो एनआर बन भी जाता है तो भी अगर वो इंडिया में इनकम कमाएगा तो वो टैक्स पे करेगा? मैं कहा बिल्कुल पे करेगा। कहता इंडिया में इनकम रिसीव करेगा तो भी वो टैक्स पे करेगा? मैं कहा बिल्कुल पे करेगा। बट एक बात मुझे बताना, एक ऐसी इनकम है जो कमाई उसने इंडिया से बाहर है बट उसका कंट्रोल इंडिया में है। सर कमाई उसने इंडिया से बाहर है बट कंट्रोल उसका इंडिया में है। ये कमाई उसने इंडिया से बाहर है, उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो सोच के बोलना क्या वो एनआर अगर बनेगा तो क्या एनआर बनने के बाद वो टैक्स पे करेगा? आंसर इज नो। अब होता क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी इनकम बहुत ज्यादा थी बट एनआर होने की वजह से वो इस इनकम पे टैक्स पे नहीं करते थे। और होता क्या था, 181 डेज रहे फटाफट बाहर भाग गए। अब जैसे ही 181 डेज रहे फटाफट बाहर भाग गए तो ये वाली इनकम क्या हो गई, नॉन टैक्सेबल, क्योंकि एनआर के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल है, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अराइज इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। अब ऐसी कोई इनकम जो इंडिया से बाहर कमाई है चाहे कंट्रोल इंडिया में ही क्यों ना हो, वो एनओआर के हाथ में तो टैक्सेबल होती थी बट एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती थी। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं, इमेजिनेशन करना, क्योंकि अगर आप इमेजिन करोगे तो बात समझ में आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मिस्टर विवेक, मान लो मैं हूं, मैं इंडिया से बाहर सेटल्ड हूं जी, बाहर सेटल्ड हूं बट मैं इंडियन सिटीजन हूं या इंडियन ओरिजिन हूं, मैं इंडिया में विजिट करता हूं। जो इनकम इंडिया में कमाऊंगा वो तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो इनकम इंडिया में रिसीव करूंगा वो भी टैक्स मुझे देना पड़ेगा, बट जो इनकम मैं बाहर कमाऊंगा अगर कंट्रोल इंडिया में होगा उस पर सिर्फ टैक्स तब देना पड़ेगा अगर मैं रेजिडेंट बनने के बाद आरएनओआर बनूंगा या आरओआर बनूंगा, अगर मैं एनआर बन गया तो वो इनकम मेरे हाथ में नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। तो हुआ क्या, मैं 181 डेज रहा और 181 डेज रहने के बाद फिर मैं बाहर चला गया, और जैसे ही बाहर गया मैं क्या बन गया, एनआर, क्योंकि अभी तक लॉ में लिखा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा जब तक 182 डेज नहीं रहेगा उसको रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। तो लोग ये काम करते थे 181 डेज रहे, 180 डेज रहे, 150 दिन रहे, बाहर चले गए, एनआर बन गए, और जब वो एनआर बने तो उनके हाथ में वही इनकम टैक्सेबल हुई जो इंडिया में अराइज हुई, इंडिया में रिसीव हुई, ऐसी इनकम जो बाहर अराइज हुई कंट्रोल इंडिया में है वो नॉन टैक्सेबल हो गई। तो गवर्नमेंट को लगा भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब ऐसे तो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की अवॉइडेंस कर रहे हैं भाई, 6-6 महीने यहां पे रहते हैं, अप्रोक्सीमेट 6 महीने यहां पे रहते हैं, 181 डेज रहने के बाद बाहर भाग जाते हैं और वो इनकम पे टैक्स पे नहीं करते।
तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को पकड़ लिया, हाँ भाई विवेक इधर आ जा इधर आ जा, तो इंडियन सिटीजन है? मैं कहा हाँ जी। कह रहे इंडियन ओरिजन है? मैं कहा हाँ जी। कह रहे बात कान खोल के सुन ले, अगर तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के, अगर तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख तक है, बहुत ध्यान सुनना जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप गलती करोगे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। गवर्नमेंट किससे बात कर रही है? गवर्नमेंट किससे बात कर रही है? जो इंडिया से बाहर जाना चाहता है उससे बात कर रही है, या बाहर से इंडिया में आ रहा है उससे बात कर रही है? जो बाहर से इंडिया में आ रहा है उससे बात कर रही है। इंडिया से बाहर जाने वालों के लिए पहले भी 182 डेज थे, आज भी 182 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब चेंजेस इंडिया छोड़ के जाने वालों के लिए नहीं है, बाहर से इंडिया में जो विजिट करते थे चेंजेस वहां पे आए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला विवेक इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, तू बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, अगर तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख तक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख तक है, फिर तो तेरे केस में 182 डेज ही चेक करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, फिर हम तेरे केस में अब 182 डेज चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 120 डेज और मोर। हम क्या चेक करेंगे? 120 डेज और मोर चेक करेंगे, बट हाँ पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर भी होने चाहिए। अब प्लीज ध्यान सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के। अब ये फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब क्या है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब क्या है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना समझ लो कि जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 6 के अंदर, जो हमने 3 एक्सेप्शन की थी, जिसमें 2 थी इंडिया छोड़ के जाने वाली, चेंजेस उसमें नहीं है, फिर लास्ट एक्सेप्शन थी अगर बाहर से इंडिया में विजिट करोगे, उस केस में चेंज आया है। उस केस में चेंजेस क्यों लेकर आए, लॉजिक क्या था, मैंने आपको बताया सर होता क्या था, इनकम 20-20, 25-25 लाख होती थी, 181 डेज रहते थे, बाहर भाग जाते थे, वो टैक्स पे ही नहीं करते थे, रीजन भी वो एनआर बन गए। तो गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को पकड़ने के लिए क्या बोला कि अब तुम्हारे केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, अब तुम्हारे केस में हम 182 की जगह 120 डेज और मोर चेक करेंगे, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर भी होने चाहिए। तो आपको मैं दिखाता हूं सर, अब यहां पे देखना जी, चेंज देखो क्या आया है। अब यहां पे ये चेंज आया है, देखो जी, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इज 15 लाख और लेस, मतलब अगर उसकी इनकम 15 लाख या उससे कम की है, टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, तो आज भी 182 डेज ही चेक करेंगे, 120 डेज वाली कंडीशन सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी अगर आपके डेज जो हो, अगर आपकी टोटल इनकम जो होगी वो 15 लाख से ऊपर होगी। बट टोटल इनकम कौन सी? फॉरेन सोर्स को छोड़ के। अभी बार बार मैं फॉरेन सोर्स जब मैं बोल रहा हूं कि फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, तो फॉरेन सोर्स में कौन कौन सी इनकम आएगी उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये क्या लिखा है, हाउ एवर, ध्यान से पढ़ना जी, अभी एक ग्रीन वाला, अगर आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा हो, ये सारी के सारी अमेंडमेंट है, अब ध्यान से पढ़ना जी। हाउ एवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, हाउ एवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अब ये फॉरेन सोर्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसी इनकम जो आपने इंडिया से बाहर कमाई है उस इनकम को छोड़ के, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब कि अगर आपने कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाई बट उसका कंट्रोल इंडिया में है, या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, उसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे, उसको इंडियन इनकम ही मानेंगे, वो इंडियन इनकम का ही पार्ट बनेगी, ये बात ध्यान देना। तो फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब है इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसी इनकम जो बाहर कमाई है, बाहर अराइज की है, बट उस इनकम में वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी जिसका कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है। ठीक है, आगे देखो जी, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, वो कब मानेंगे इंडिया में रेजिडेंट, सबसे पहली बात।
द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट टू 182 डेज और मोर, मतलब या तो 182 डेज या उससे ऊपर हो, बट अगर 182 डेज से कम है उस केस में ही हैज बीन इन इंडिया द 4 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड 365 डेज और मोर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, पूरी क्लास अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मैं बहुत बढ़िया डायग्राम बनवा दूंगा जब मेरी अमेंडमेंट्स खत्म होने वाली होंगी आज की क्लास के एंड में। एक इतना बढ़िया डायग्राम बना दूंगा ना, अगर आप उस डायग्राम को भी देख लोगे जबरदस्त तरीके से अमेंडमेंट समझ में आएंगी, बट उससे पहले आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी तक क्या क्रक्स निकल के आ रहा है जी? क्रक्स ये निकल के आ रहा है जी, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, पहले भी 182 डे था, आज भी 182 है। इंडिया से बाहर जा रहे हो एज ए मेंबर ऑफ क्रू, पहले भी 182 था, आज भी 182 है। बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो और आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में पहले भी 182 था, आज भी 182 है। बट अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो अब तुम रेजिडेंट तब बनोगे या तो 182 डेज या उससे ऊपर हो, बट अगर 182 डेज से कम है तो फिर 120 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 रेलिवेंट इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब एक बच्चा कहता है सर तो ये ऐसा नहीं है कि 182 डेज की जगह अगर 120 डेज चेक करेंगे तो क्या पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर भी होने चाहिए? आंसर इज यस सर। बहुत सारे बच्चे इस अमेंडमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हैं। वो ये इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हैं कि पिछले 4 साल में 365 दिन चेक नहीं करना, वो ये सोच रहे हैं 182 डेज कन्वर्ट हो चुके हैं 120 डेज में, तो पिछले 4 साल में 365 क्यों चेक करेंगे? सर लो ऐसा नहीं बना। लो में ना अगर आप इसका बेयर लो ध्यान से पढ़ोगे, बेयर लो में ये लिखा है कि जो सेकंड कंडीशन है 60 डेज, जो सेकंड कंडीशन है 60 डेज वाली, बेसिक कंडीशन जो है 60 डेज वाली, उस 60 दिन को हम रिप्लेस कर देंगे 120 डेज से। लो ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने 182 को 120 में रिप्लेस नहीं किया, मतलब कंडीशन 1 को 120 में रिप्लेस नहीं किया, जो कंडीशन 2 में 60 डेज थे उसको रिप्लेस करके 120 डेज कर दिया। मतलब 120 दिन या उससे ऊपर होने चाहिए और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर होने चाहिए, तब जाके वो बन जाएगा रेजिडेंट। ठीक है, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, सोच समझ के बोलना, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है। अब जो अभी तक आप 182 डेज और मोर देखते थे एक्सेप्शन वाले केस में, क्या आज भी देखना है या हर केस में 120 दिन आ गया? सर हर केस में 120 दिन नहीं है, पहली बात तो ये। और 120 दिन भी तब आया है अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ये फॉरेन सोर्स की इनकम, बार बार एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इस फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब क्या है? इधर देखो ध्यान से, नीचे मैंने क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मीन्स इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब है ऐसी इनकम जो अपने इंडिया से बाहर कमाई है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, बट डज नॉट इंक्लूड, बट उस इनकम में ना ये इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। कौन कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होंगी? पहला, इनकम विच आर डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ऐसी इनकम जो सेक्शन 9 में कवर होती है, जिस इनकम को इंडिया में ही कमाया गया माना जाता है, तो वो इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम में कवर नहीं करेंगे। फिर इनकम डिराइव एब्रोड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब आपने कमाई बाहर है, कमाई अपने बाहर है बट बिजनेस कंट्रोल उसका इंडिया में है, तो वो भी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे। इनकम डिराइव एब्रोड फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ऐसी इनकम जो कमाई बाहर है बट उसका प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, उसको भी फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे। इन तीनों इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम जो होंगी वो फॉरेन सोर्स की इनकम मानी जाएंगी। तो मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे मिक्स, मेरे ग्रीन, मेरे लाल, मेरे पीले कलर के बच्चे, बस इतनी सी बात ध्यान देना, अमेंडमेंट यहाँ पे ये निकल के आ रही है जी, अमेंडमेंट यहाँ पे ये निकल के आ रही है। अगर मैं क्रक्स की बात करता हूँ, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर आज कोई पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसके दो केस बनाओ।
अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, दो केस बनाओ, बट प्रोवाइडेड वो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो। अब दो केस क्या बनेंगे भैया, तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है, तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। अगर तेरी इनकम 15 लाख तक है, अगर तेरी इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज और मोर जैसे ही कंप्लीट होंगे तुम रेजिडेंट बन जाओगे। और अगर तेरी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के तो 120 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो सर ये बात ध्यान देना, अब आपको बस क्वेश्चन में ना ये ध्यान देना है कि उस पर्सन की टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। और फॉरेन सोर्स का मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, फॉरेन सोर्स मीन्स ऐसी इनकम जो कमाई भी इंडिया से बाहर है, रसीद इंडिया से बाहर की है, बट हाँ उसमें कुछ इनकम कवर नहीं होगी। एक तो पहला क्या कवर नहीं होगा जी, ऐसी इनकम जिसको इंडिया में कमाया गया मान लिया गया उसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे। ऐसी इनकम जो कमाई बाहर है, कंट्रोल उसका इंडिया में है, उसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे। ऐसी इनकम जो कमाई बाहर है, प्रोफेशन उसका इंडिया में सेटअप है, उसको भी फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे। इन तीनों इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम जो होंगी फॉरेन सोर्स की होंगी। अब आप देख लो उसको बाहर निकाल के बाकी जो इनकम है, अगर 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन है, अगर 15 लाख से ऊपर है तो फिर 120 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब जाके हमारा ये काम खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर इसका अगर हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया तो फिर किस तरह से करेंगे, कराऊंगा टेंशन मत लो। ठीक है, बट इतना ध्यान देना जी, इतना ध्यान देना, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो क्रक्स क्या निकल क्या रहा है आपको, मैं थोड़ा क्रक्स दोबारा समझा देता हूँ। एक इंडिविजुअल है जी, एक इंडिविजुअल है, या तो वो बनेगा आर या वो बनेगा एन आर। वो किस पे डिपेंड करेगा, बेसिक कंडीशन पे। ठीक है, बेसिक कंडीशन पहली क्या थी, 182 डेज, और सेकंड थी 60 डेज और मोर, और फिर 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये बेसिक कंडीशन थी, पहले भी सेम थी आज भी सेम है। ठीक है, इन दोनों में से एक सेटिस्फाइड करनी है तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। ये बातें हमारी क्लियर हो गई। फिर गवर्नमेंट ने बोला था, फिर गवर्नमेंट ने बोला तीन केस में कंडीशन टू काम नहीं करेगी, मतलब कंडीशन टू काम नहीं करेगी उस केस में 182 डेज और मोर चेक करेंगे। पहला केस इंडियन इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उसमें 182 डेज चेक करेंगे, पहले भी सेम था आज भी सेम है। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है, उस केस में 182 डेज पहले भी थे आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चेंज कहां पे आया, चेंज ही आया अगर कोई इंडिविजुअल प्लस में इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो बाहर सेटल्ड है, बाहर सेटल्ड है और इंडिया में विजिट कर रहा है, तो दो केस बनेंगे उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख तक है, या उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है। ये दो केस बनेंगे ना, अगर 15 लाख तक है तो जो पहले था 182 डेज और मोर आज भी सेम है, बट अगर 15 लाख से ऊपर है तो 120 डेज और मोर प्लस में 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो 182 डेज और मोर हो गए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो आपने पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर दी। मेन तो बस ये बात ध्यान देना कि अगर 182 से कम है और 120 डेज और मोर है तो वो रेजिडेंट तब बनेगा अगर पिछले 4 साल में 365 दिन उससे ऊपर भी होने चाहिए। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं सर, पूरी की पूरी फैमिली को ये बहुत ध्यान से देखना, आप एग्जाम में गलती करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हैं कि 182 को 120 किया है तो पिछले 4 साल में 365 हमें नहीं देखने। सर ऐसा लो में नहीं है, लो में कहीं क्लैरिफाई ऐसा नहीं है, लो ने तो बल्कि ये लिखा है कि 60 डेज को हम रिप्लेस करेंगे 120 में। तो जब 60 डेज और मोर प्लस में 365 डेज और मोर थे तो अगर 60 को 120 में रिप्लेस किया तो 60 की जगह 120 आ गया तो पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर भी होने चाहिए। बस ये पर ध्यान देना, मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मैं डायग्राम बाद में बनवा दूंगा, बट इतना क्लियर करके चलना कि 120 दिन वाली कंडीशन पहली बात हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, एप्लीकेबल तब होगी जब टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर होगी।
बात समझ में आ रही है जी? तो ये हमारी अमेंडमेंट नंबर वन है जो हमने यहाँ पे कंप्लीट की, ये बात क्लियर हो गई जी? तो ये हमारी अमेंडमेंट नंबर वन है, ये अमेंडमेंट तो हमारी हो गई। अब मैं आ रहा हूँ जी अमेंडमेंट नंबर टू। अमेंडमेंट नंबर टू जो है ना वो तो एक नया सेक्शन ही इंसर्ट हो गया है जिसका नाम है डीम्ड रेजिडेंट। कमाल कर दी सर लॉ बनाने वाले, लॉ बनाने वाले ने ही कमाल कर दी सर। डीम्ड का मतलब क्या होता है, पूरी क्लास बोलेगी डीम्ड का मतलब क्या होता है, माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि ये पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है। मतलब कमाल कर दी लॉ बनाने वाले ने, गवर्नमेंट कह रही है जो रेजिडेंट नहीं भी है उसको भी मान लेंगे कि इंडिया का रेजिडेंट है। तो सर बहुत ध्यान से देखना, एक सेक्शन ऐसा इंसर्ट हो चुका है कि गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें मानना ही पड़ेगा तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, बात खत्म। एक कंपल्शन है, एक ओब्लिगेशन है। सर मैं तो हूं नहीं रेजिडेंट, तुम्हें मानना पड़ेगा। सर मैंने कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तुम्हें मानना पड़ेगा। सर मैं तो बाहर रहता हूं, तुम्हें मानना पड़ेगा। सर इंडिया में बहुत कम आता हूं, तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये नहीं कहा तुम रेजिडेंट हो, हम तो ये कह रहे हैं तुम डीम्ड रेजिडेंट हो। और ये बात मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूं जी, डीम्ड का मतलब होता है जो चीज एक्चुअल एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको एग्जिस्टेंस में लेके आने के लिए। एक बात बताओ मेरे हाथ में क्या है, नाला एक लेटना नहीं है, सीधे होके बैठो। अमेंडमेंट पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, तो जब मैं बाद में डायग्राम बनाऊंगा ना वो डायग्राम सिर्फ तभी समझ में आएगा अगर ये सारी बातें पढ़ी होंगी अच्छे से, नहीं तो फिर डायग्राम पकड़ के बैठ जाना समझ में कुछ भी नहीं आएगा जी। मैं पहले बोल रहा हूँ दोबारा बोल रहा हूँ, डिटेल में पढ़ोगे तब शॉर्टकट समझ में आएंगे, अगर डिटेल में ही नहीं पढ़ोगे शॉर्टकट कुछ भी नहीं आएगा, फिर एक हफ्ते बाद सारा कुछ भूल जाओगे। इधर सुना ध्यान से, मेरे हाथ में क्या चाहिए, मेरे हाथ में क्या है, पेन है, सांप है, अरे सांप है सर, आप आपकी तबीयत सही है सर, कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं आपको? मैंने कहा नहीं सर सांप थोड़ा है, पेन है। मैं कहा डीम्ड सांप है, अब सोच के बोलना, अगर मैंने बोला कि ये डीम्ड सांप है तो मतलब क्या है, माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा ये सांप है, बात खत्म। दैट इज अ डीम्ड रेजिडेंट। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसे कौन से लोगों को इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे और क्यों मान लेंगे, हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इधर सुना ध्यान से, अब गवर्नमेंट कह रही है, देखना ध्यान से पढ़ना, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजन की बात नहीं कर रहे, इंडियन ओरिजन की बात नहीं कर रहे, इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं। एन इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्स, वही सारी बातें लिखी हैं, एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट ईयर if he is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. लो जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है उसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है उसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, रीजन बीइंग वहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा या वहां के लॉ में ही लिखा है कि आपको यहां टैक्स पे नहीं करना, तो हम उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। बच्चा कह रहा है बड़ा जबर, ये तो भाई ये तो सर हार्डशिप है, सर तो हार्डशिप है, ये हार्डशिप नहीं है सर। बहुत सारे लोग ऐसे थे, आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे थे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम गवर्नमेंट को आ रही थी। सर पहली बात तो ये प्रोविजन क्या सबके ऊपर है, आंसर इज नो, उनके ऊपर है जिनकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ऊपर है। मतलब अगर 15 लाख तक है तो ये केस ही नहीं है, अगर इनकम 15 लाख तक है ना तब डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट आपके ऊपर है ही नहीं। ये डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट ही आपके ऊपर एप्लीकेबल तब होगा अगर आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर होगी और आप किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, फिर आपको इंडिया का रेजिडेंट बना के आपकी इनकम यहां टैक्सेबल करेंगे। एक बच्चा गुस्से में आ गया, कहता सर मुझे तो गवर्नमेंट की जबरदस्ती लग रही है जबरदस्ती क्या करोगे, गवर्नमेंट खुद ही कह रही है जबरदस्ती है, आप क्या कह रहे हो, गवर्नमेंट खुद कह रही है, गवर्नमेंट लिखा तो है डीम्ड रेजिडेंट। सर डीम्ड का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, इधर आ भाई इधर आ, गवर्नमेंट ऐसे कह रही है मैं बाहर हूं, मैं बाहर रहता हूं जी, मैं दुबई में रहता हूं, हेलो इधर देखो ध्यान से, मैं दुबई में रहता हूं ठीक है, और दुबई आप सब जानते हो टैक्स फ्री कंट्री है, वहां पे टैक्स नहीं है जी,
दुबई को हम टैक्स हेवन कहते हैं, और मैं दूसरी कंट्री में घूमता हूँ जी, मैं दूसरी कंट्री में घूमता हूँ, और इंडिया में मैं कभी आता हूँ कभी नहीं आता, बहुत कम दिन इंडिया में रहता हूँ, बट मेरी ऐसी इनकम है, मेरी टोटल इनकम ऐसी है जो फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है। अब सोच समझ के बोलना, मैं किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, बट मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है, तो गवर्नमेंट मुझे खींच के इधर ले आएगी, कह रही दरा तू इंडिया का रेजिडेंट है, तू इंडिया का रेजिडेंट है। मैंने कहा साहब मैं तो 2 दिन इंडिया में रहा हूं बस, साहब मैं तो 2 दिन इंडिया में रहा हूं। कह रहे तू 2 दिन रहा है, चाहे तू 1 दिन रहा है, चाहे तू रहा भी नहीं है, हमने कब कहा तू रहा है, वो डेज वाली गेम तो ऊपर है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डीम्ड रेजिडेंट। अच्छा मतलब सर इस केस में चाहे वो सिंगल डे भी इंडिया में ना रहा हो तो भी रेजिडेंट मान लेंगे? आंसर इज यस। बस उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, उसकी टोटल इनकम। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, मान लो उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, वो कभी इंडिया में आता नहीं है, कभी इंडिया में नहीं आता, कभी इंडिया में नहीं आता, मान लो कभी इंडिया में, अब सोच के बोला अगर कभी इंडिया में नहीं आता, मान लो इनकम उस प्रॉपर्टी इंडिया में है, वहां से इनकम कमा रहा है, ठीक है जी, या इनकम बाहर ही कमा रहा है, उस इनकम का कंट्रोल इंडिया में है, इनकम बाहर ही कमा रहा है, उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, या कुछ ऐसी इनकम है जो कमा बाहर रहा है बट उसको डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानते हैं। अब सोच के बोलना अगर वो इंडिया में नहीं आ रहा तो नंबर ऑफ डेज वाली गेम के अकॉर्डिंग तो वो क्या बन गया, एनआर बन गया ना, वो नंबर ऑफ डेज वाली अकॉर्डिंग क्या बन गया, एनआर बन गया। तो एनआर बनने के बाद कुछ ऐसी इनकम होंगी जो उसके हाथ में टैक्सेबल ही नहीं होंगी, क्योंकि इनकम वही टैक्सेबल होती है एनआर के हाथ में, या तो वो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया में रिसीव की गई हो, बट ऐसी इनकम जो बाहर कमाई है उसका कंट्रोल इंडिया में है, एनआर के हाथ में टैक्सेबल होती नहीं, वो भंगड़े डाल रहा है, कह रहा वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, और इवन मैं तो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हूं। अब गवर्नमेंट को लगा यार बड़ा क्लेश है यार, ये तो भाई साहब कहीं भी टैक्स पे नहीं कर रहा, ना इंडिया में पे कर रहा ना किसी कंट्री में पे कर रहा है, वो इंडियन सिटीजन। तो गवर्नमेंट ने इधर खींच लिया और फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट आया डीम्ड रेजिडेंट का। और सर जब ये कॉन्सेप्ट आया ना आप हैरान हो जाओगे, मार्केट में इस तरह के सर लोग ऐसे हिल गए, लोग ये जो बाहर वाले लोग, जो बाहर लोग रहते थे ना जो कहीं भी टैक्स पे नहीं करते थे, उनकी नींद हराम हो चुकी है, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं सर। इतना फाइनेंस मिनिस्टर को बोला कि भाई साहब ये क्या लो लेकर आ गए हो, तो गवर्नमेंट ने कहा और क्या करें हम, और क्या करें भाई साहब, हमें टैक्स चाहिए, सिंपल सी बात ये है। तो अगर तुम्हारी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, और तुम किसी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, तुम इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे, बात खत्म। ठीक है देखो यहां पे क्या लिखा है जी, एक बार दोबारा पढ़ लो। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख वुड डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट ईयर इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है देखो मैंने क्या लिखा, पहली बात तो इंडियन ओरिजन के केस में ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा, और दूसरी बात इवन इफ ही हैज नॉट स्टे इन इंडिया फॉर ए सिंगल डे, अगर इंडिया में सिंगल डे भी नहीं रहा होगा तो भी वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, कब, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। सर कंडीशन कितनी है, दो दो कंडीशन, पहली कंडीशन उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर हो, और दूसरी कंडीशन वो किसी और कंट्री में टैक्स पे ना करवा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। बट अब ध्यान सुनना सर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता ये दो अमेंडमेंट आई हैं ये हार्डशिप कर दी है? सोच के बोलना सर, आपका दिल जो बोलेगा ना, आपका दिल जो बोलेगा उसके बेस पे काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता ये दोनों अमेंडमेंट लाने से गवर्नमेंट ने हार्डशिप कर दी है इन लोगों पे? मुझे तो लगता है सर, एक बार सोच के बोलना, कहां इस केस में पहले 182 डेज ही चेक होते थे, अब 120 डेज चेक होंगे तो जल्दी रेजिडेंट बनेगा, रेजिडेंट बनेगा तो इनकम ज्यादा टैक्सेबल होगी। कहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उन लोगों के इमेजिनेशन में भी नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट आएगा, गवर्नमेंट लेके आ गई। क्या उन सब लोगों पर हार्डशिप होगी, नहीं होगी, यस होगी, जो आज तक कभी इतिहास में टैक्स पे नहीं करते थे और वो यहां टैक्स पे करेंगे, क्यों, क्योंकि उन सब लोगों पर डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट लग गया।
तो गवर्नमेंट ने कहा हमने तुम्हारे ऊपर हार्डशिप तो बहुत की है, हमने तुम्हारे ऊपर हार्डशिप तो बहुत की है, बट तुम टेंशन मत लो। तुम्हें याद है, याद करो, क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब एक पर्सन रेजिडेंट बन जाता है तो रेजिडेंट की दो कैटेगरी होती हैं, ROR और RNOR। याद आ रहा है कुछ आपको? रेजिडेंट की दो कैटेगरी होती हैं, ROR और RNOR। ROR कब बनता है, फटाफट बोल दो, ROR कब बनता है? अगर पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट रहा हो, या पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ऊपर इंडिया में रहा हो, अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो ROR बन जाएगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती है विवेक, एक तो ये डीम्ड रेजिडेंट जो यहां बना, एक तो ये, और एक ये पर्सन जिसमें 120 डेज वाली कंडीशन है, इन दोनों को ना हम ROR बनाएंगे ही नहीं, हम इनको सीधा ही RNOR बनाएंगे। सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि जो ये दो अमेंडमेंट आई हैं, वैसे रेजिडेंट बन चुकी हैं, रेजिडेंट बनने के बाद ROR बनने के लिए दो एडिशनल कंडीशन है, बट गवर्नमेंट कहते हैं इन केस में हम एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे, इस केस में एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे, इन दोनों केस में वो डीम्ड RNOR बनेगा, और अगर RNOR बनेगा तो हम ROR की जो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, हाँ इतनी हार्डशिप नहीं करेंगे, उसके हाथ में हम RNOR बना देंगे। RNOR से क्या फायदा होगा कि जो इनकम बाहर कमाई है और बाहर ही रिसीव की है वो टैक्सेबल नहीं होगी उसके। फिर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल। और अगर वो ROR होता तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती, तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो, इतनी हार्डशिप नहीं करेंगे, हम तुम दोनों का RNOR वाली कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो ROR और R, देखो ये लिखा है ना RNOR, इसमें भी चेंज आया। ठीक है, जो पहले दो पॉइंट थे वो तो सेम ही है। सेम क्या है कि भैया 10 में से 2 बार R होना चाहिए, तो अगर आप 2 बार R नहीं बनते, मतलब 9 बार NR बन चुके हो, तो आप क्या बन जाते हो? RNOR। या अगर 729 दिन है, क्योंकि 730 दिन होने चाहिए ना, अगर 729 या उससे कम है तो भी क्या बनोगे? RNOR। ये तो पहले भी था, आज भी है। अब ये दो क्लोज नए इंसर्ट हो चुके हैं जी, ये दो क्लोज नए इंसर्ट हो चुके हैं। देखो अब ध्यान से क्या लिखा है, इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और आपका स्टे 120 डेज या मोर है बट लेस देन 182 है। अब लेस देन 182 क्यों लिखा? क्योंकि अगर 182 डेज या उससे ऊपर ही हो गया, फिर तो आप कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड कर चुके हो ना, फिर तो आप वैसे ही रेजिडेंट बन चुके हो, तो फिर तो उस केस में दोनों एडिशनल कंडीशन ही चेक होंगी। बस 182 डेज या मोर हो और 182 मतलब सॉरी 120 डेज और मोर हो और 182 से कम हो, तो हम डायरेक्टली आपको RNOR बना देंगे। या इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 61A, जो नया सेक्शन आया है, इट मे बी नोटेड दैट ए डीम्ड रेजिडेंट विल ऑलवेज बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब जो डीम्ड रेजिडेंट बना वो हमेशा ही RNOR वाली कैटेगरी में आएगा, ये बात ध्यान देना। बच्चा कह रहा है भाई साहब सर बहुत खतरनाक अमेंडमेंट आई है सर, ऐसे आज अगर सर आप ऐसे चले गए ना, हम आपसे कट्टी हो जाएंगे। तो और कैसे जाऊं? मतलब सर डायग्राम बना के जाना, ठीक है, करक समझा के जाना, क्वेश्चन करवा के जाना, और हमसे बार बार रिवीजन करा के जाना, क्योंकि जब अमेंडमेंट क्लास आज की खत्म हो ना, हमें जो अभी डर लग रहा है कि यार क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो डर सारा खत्म हो जाए। आपका भाई यहाँ पे खड़ा है जी, आपका भाई जब तक यहाँ पे खड़ा है, मैंने कहा ना जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी अमेंडमेंट क्लास बंद नहीं होगी, चाहे वो 1 घंटा, चाहे हो सवा, चाहे हो डेढ़, चाहे हो 2। तो चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो कि डाउट्स आ रहे हैं, बिल्कुल लिखना बंद कर दो सर, क्योंकि मुझे पता है नई अमेंडमेंट है, समझने में दिक्कत होगी, टेंशन मत लो, विश्वास रखो मेरे ऊपर, जब अमेंडमेंट क्लास खत्म होगी ना, आप सब खुद ही लिख के जाओगे, अब कोई डाउट नहीं है। बट चैट बॉक्स में लिखने की बजाय ना यहाँ ध्यान लगाओ जो मैं बातें बोल रहा हूँ, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इधर सुना ध्यान से, अब इधर सुनना, अब क्या क्रक्स आ रहा है जी, अब मैं क्रक्स पे आ रहा हूँ जी, नोटिंग बाद में करवा दूंगा, नोटिंग पे टेंशन मत लेना। क्रक्स ये निकल के आ रहा है जी, क्रक्स ये निकल के आ रहा है, इधर देखो, एक इंडिविजुअल है, उसकी दो कैटेगरी हैं, एक तो आर बनता है और एक वो बनता है अनार। ठीक है, अब ये आर और एनआर बनने के लिए क्या है, दो बेसिक कंडीशन है जो आपने क्लास के अंदर पढ़ी है।
ठीक है, उन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो रेजिडेंट बन जाएगा। पहली बेसिक कंडीशन थी 182 डेज और मोर, और सेकंड बेसिक कंडीशन थी 60 डेज और मोर और 365 डेज और मोर इन फोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये पहले भी सेम थी, आज भी सेम है। अगर दोनों में से पहली हो गई सेकंड नहीं हुई, सेकंड हो गई पहली नहीं हुई, या दोनों हो गई तो क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। और अगर दोनों ही नहीं हुई तो क्या बन जाएंगे? एनआर। ये बात अपने क्लास में पढ़ी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर ये सारी बातें करने के बाद फिर लो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंडीशन बी है, कंडीशन बी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तीन केस के अंदर। हम तीन केस में कंडीशन बी को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इन तीन केस में 182 डेज और अगर मोर होंगे तब वो रेजिडेंट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। उन लोगों को ना गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया था। किन लोगों को बेनिफिट दिया था? सबसे पहला इंडिविजुअल होना चाहिए। सर अगर साथ साथ बोलोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद होगा। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हो और एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहा हो तो 182 डेज और मोर। पहले भी था, आज भी है, कोई चेंज नहीं है। चेंज देखना, चेंज कहां पे है? पुराना तो पहले आपने पढ़ा हुआ है सर, उसको मैं रिवीजन नहीं करा रहा यहां पे, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। मेन करवा रहा हूं चेंज क्या है, अमेंडमेंट क्या है। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, उस केस में पहले भी 182 डेज था, आज भी 182 है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। चेंज अब आया है अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था जो बाहर सेटल्ड था बट इंडिया में विजिट कर रहा था, उस केस में हम 182 डेज और मोर चेक करते थे हर केस में, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। अभी तक हम कुछ चेक ही नहीं करते थे। सर अब चेंज कहां पे है? चेंज यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। ये चेंज है, पहले तो ये समझो चेंज है कहां, ताकि आपको ये पता लगे चेंज कहां है। सर फिर चेंज है क्या, वो देखो। चेंज ये है कि अगर अब इस पर्सन के दो केस बनेंगे, अगर इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, फिर तो भैया तू पहले वाले लोग के अंदर ही जा, तेरे केस में आज भी 182 डेज ही चेक करेंगे, हम कोई नया क्लेश नहीं डाल रहे। बट अगर तेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है तो भाई तू फिर अमेंडमेंट के अंदर आ जा, फिर तो अमेंडमेंट के अंदर आ जा। और अमेंडमेंट क्या कहती है कि अब तेरे केस में हम 182 डेज और मोर चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 120 डेज और मोर प्लस में 365 डेज और मोर इन फोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब अगर तू ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा। ये कहता रही मुझे तो नुकसान हो गया, सर मुझे तो नुकसान हो गया क्योंकि मेरे केस में पहले 182 डेज था। मैंने कहा बिल्कुल नुकसान हो गया, अब तो जैसे 120 दिन कंप्लीट होंगे, पिछले 4 साल में 365 दिन तो नॉर्मली होंगे ही होंगे, क्योंकि ये पर्सन बार बार, देखो ना ये पर्सन क्या है सर, जो बाहर सेटल्ड हैं हर साल फैमिली से मिलने के लिए इंडिया में आते हैं, हर साल फैमिली से मिलने के लिए इंडिया में, तो पिछले 4 साल में 365 दिन नॉर्मल बात है, ठीक है। 120 डेज जैसे ही क्रॉस तू करेगा ना, अब तू क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। जबकि पहले 182 डेज क्रॉस करने पे बनता था, अब 120 डेज क्रॉस करने बन जाएगा, तो ये नुकसान हो गया। बट टेंशन मत ले कि अब तू इंडिया में रेजिडेंट बन गया, अब तू रेजिडेंट बन गया, हम तुझे आरओआर वाली कैटेगरी में नहीं डालेंगे, हम तुझे डालेंगे आरएनओआर वाली कैटेगरी में, ठीक है। अगर तेरे डेज 120 डेज और ज्यादा हैं और 182 डेज से कम है, क्योंकि अगर 182 डेज और मोर हो गए फिर तो भैया तूने पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर दी, फिर तो दोनों एडिशनल कंडीशन चेक होंगी। तो 120 डेज और मोर है बट लेस देन 182 है तो बन गया आरएनओआर। सर फिर एक कॉन्सेप्ट आया डीम्ड रेजिडेंट वाला, उसमें क्या है? उसमें तो सिंपल सी बात है जी, एक ऐसा पर्सन जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, उसको इंडिया का रेजिडेंट बना दिया जाएगा और रेजिडेंट बनने के बाद वो आर एनओआर वाली कैटेगरी में जाएगा, आरओआर वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो अभी तक हमने बस ये किया जी, अभी तक हमने बस ये किया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जी, ये है समरी डायग्राम, नोटिंग मत करना भी, पहले समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना सर, शिद्दत से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, करक्स डायग्राम बिल्कुल बना हुआ है। अगर ये डायग्राम आप समझ लोगे अमेंडमेंट बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। तो बिल्कुल सीधे होके बैठो जी, ये नालायक बच्चा टेढ़ा होके बैठे,
सीधो के बैठो मेरे बच्चू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, सीधो के बैठो, ऐसे नहीं सोना नहीं है, सोना हद हो गई, बच्चा सोने की तैयारी कर रहा है, सोना थोड़ा, इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो फटाफट से, अब यहाँ पे देखो जी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, बाहर बाहर रहते हैं, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। तीन कंडीशन, पहली बात इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजन के पर्सन हैं, बाहर सेटल्ड हैं, उनकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, अब सोच के बोलना नो, अगर नो मतलब एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन बाहर सेटल्ड हैं, बाहर सेटल्ड हैं, उनकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, तो वो क्या बन जाएंगे? देखो, डीम्ड रेजिडेंट इवन इफ ही वॉज नॉट इन इंडिया ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर इवन ए सिंगल डे, एज्यूम ही इज नॉट ए रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6(1)। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो 6(1) में कवर ना हो गया, और 6(1) का मतलब वो डेज वाली कंडीशन ना सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अगर डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो फिर वो डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं। अब देखो जी, एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रोविजन जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन पर एप्लीकेबल है, इंडियन ओरिजिन वाला केस यहाँ पे कवर नहीं होता। अब बच्चा कह रहा है सर मान लो वो किसी कंट्री में टैक्स देने के लायबल है, यस, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लायबल नहीं है फिर तो बन जाएगा डीम्ड रेजिडेंट, बट किसी कंट्री में टैक्स देने के लायबल है तो फिर क्या करेंगे, वो रेजिडेंट कब बनेगा जी? पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया लेस देन 120 डेज, अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे 120 दिन से कम है, अगर 120 दिन से कम है, सोच के बोलना जी, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, ठीक है, या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर सेटल्ड है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो कितने दिन चेक करेंगे, 120 डेज या ज्यादा। अगर 120 डेज से कम है तो गवर्नमेंट ने बोला भाई फिर तो तू नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, फिर तो नॉन रेजिडेंट रहेगा। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और 365 दिन या उससे ज्यादा हैं तो रेजिडेंट बनेगा और वो क्या बन जाएगा, RNOR, याद करो, ये अमेंडमेंट आ गई, ये अमेंडमेंट आई है। और अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है फिर तो अब रेजिडेंट बन गए, अब ये RORR और RNOR वो डिपेंड करता है बोथ एडिशनल कंडीशन पे, ये बात ध्यान दें, ठीक है। तो ये करक्स डायग्राम है जी, बिल्कुल करक्स डायग्राम है, ऐसा करो इसको बनाओ एक बार, हेडिंग डालो जी, जल्दी हेडिंग डालो, एनालिसिस एन एग्जाम्पल, सिर्फ ये लिख दो एनालिसिस, यहां लिख दो एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट, लिखो जी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन ओब्लिक इंडियन ओरिजन, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन ओब्लिक इंडियन ओरिजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, टोटल इनकम ब्रैकेट में लिखे एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख, मोर देन 15 लाख। नोटिंग क्यों नहीं कर रहे, आपसे ही बात कर रहा हूँ नालायक, नोटिंग क्यों नहीं कर रहे? सर ये नोट्स में ये नोटिंग वाले नोट्स नहीं डालूंगा, ध्यान रखना जो नोट्स आपके डले हुए हैं वो विदाउट नोटिंग है, नोटिंग आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यार इसको हाथ को चला लिया करो, एग्जाम में दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो मतलब बच्चा कहता है ये भी ना ऐसा करो आप ना सर ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, हम ना यही वाला देख लेंगे, सर क्यों नोटिंग करें, सर हाथ थक जाते हैं, या तो एक मसाज वाला घर भिजवा दो हमारे भाई, ताकि आधा पौना घंटा हमारे हाथ को दबाए, एग्जाम कैसे दोगे फिर? थोड़ी सी नोटिंग अगर हाथ से नहीं करोगे सर, सेल्फ नोट जो तैयार करोगे ना ये लाइफ टाइम काम आएंगे, ध्यान रखना ये नोटिंग करनी पड़ेगी जरूर, जो नोटिंग नहीं करेगा, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ जी, कोई किसी को नोटिंग मत दे, साफ मना कर दो जी मैं ये नोटिंग नहीं दूंगा, उसको खुद करने दो, उसको खुद करने दो सर, एग्जाम उसके भी हैं, दूसरे बच्चे को फेलियर की तरफ मत लेके जाओ नोटिंग दे के, नोटिंग ट्रांसफर करके, उसको कह भाई खुद नोटिंग कर। लिखो जी यहाँ पे, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, यस और नो,
अब अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लायबल नहीं है, किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लायबल नहीं है, तो नया कॉन्सेप्ट क्या है जी, वो क्या बन जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट। एक बार यहां वीडियो पॉज कर लेना, या ऐसा करना वीडियो खत्म करने के बाद नोटिंग कर लेना चाहिए, वीडियो खत्म करने के बाद चाहे नोटिंग कर लेना, यहां एक बार पॉज कर लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं जी, अब एक बार यहां पॉज कर लेना, येस और नो, अगर वो किसी कंट्री में टैक्स देने के लायबल नहीं है तो वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, चाहे वो इंडिया में रहा भी ना हो तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। बट अगर वो किसी कंट्री में टैक्स देने के लायबल है, फिर तीन केस बनेंगे। अगर 120 डेज से कम है फिर तो एनआर है, 120 डेज और मोर है बट 182 से कम है और पिछले साल चार साल में 365 दिन है उसके ऊपर है, रेजिडेंट है और आर एन ओ आर है। अगर 182 डेज या उसके ऊपर हो गया फिर तो वो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, और सिंपल सी बात है फिर तो आर ओ आर और आर एन ओ आर के लिए पिछले वो एडिशनल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी दोनों की दोनों, ठीक है ना। फिर वो डीम्ड आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि डीम्ड आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में वो सिर्फ तब आ रहा है अगर 120 डेज या उससे ज्यादा है बट 182 डेज से कम है, क्योंकि जैसे 182 डेज और मोर हुए तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। और आर ओ आर और आर एन ओ आर उसके लिए फिर नॉर्मल एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी। ये लो जी, अब यहां तक अपना पॉज करके या वीडियो खत्म होने के बाद नोटिंग आराम से कर लेना तसल्ली से। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए आप गलती नहीं करके आओगे। और ये जो बच्चे सोच के बैठे हैं ना, अमेंडमेंट बच्चों वाली है, सर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप सिंसियर नहीं लोगे तोते उड़ जाएंगे आपके क्वेश्चन देख के। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी इंट्यूशन पता नहीं इस बार क्यों कह रही है कि अमेंडमेंट अच्छी खासी आएंगी, और अमेंडमेंट आप खुद देख रहे होंगे आसान नहीं है जी, रटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वैसे हो गया तो वैसे हो गया, ये हो गया तो वो हो गया, ये होगा तो वो कर लेना, वो हो गया तो वैसे होगा, ये होगा तो वैसे होगा, वो वाली थी। और अगर वैसे करोगे भी ना, एक हफ्ते के बाद दोबारा देख लेना, सब कुछ भूल जाओगे। तो अगर डिटेल में समझनी है और करनी है तो पहले डिटेल में समझनी पड़ेगी, उसके फिर डायग्राम जो मैंने बनवाया है डायग्राम बना लेना। अब मैं करवाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आपको ये पता लगे कि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, ये भी तो पता लगे ना, क्योंकि एग्जाम में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, प्रोविजन तो बनेंगे ही बनेंगे बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ना। अब किस तरह से बनेगा आओ जी वो देखो। ये लो जी एग्जाम्पल आपके सामने है जी, पूरी क्लास का माइंड अब यहाँ पे हो और कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा, सीधे होके बैठो, जो बड़े चले गए जाने दो, उनको रोको मत, कोई बात नहीं, उनको अपने आप देख लेंगे वो, जितने बच्चे बैठे हैं वो यहाँ पे देखेंगे। बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना। मिस्टर विनोद, ओ माय गॉड, सर विनोद ये तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा सर हमसे, ध्यान से पढ़ो। मिस्टर विनोद इज लिविंग इन दुबई, वो दुबई में रह रहा है सिंस 1980, 1980 से वो दुबई में रह रहा है। ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स ऑन 15 जून 2020 एंड लिव्स इंडिया फॉर दुबई ऑन केस वन 16 अक्टूबर 2020 या केस टू में 18 दिसंबर 2020। क्वेश्चन क्या बना जी, एक मिस्टर विनोद है, वो दुबई में रह रहा है 1980 से, वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए इंडिया में आ रहा है जी। इंडिया में कब आया, 15 जून 2020 को आया, और फिर वापस दुबई चला गया कब, केस वन 16 अक्टूबर 2020 को, केस टू में 18 दिसंबर 2020 को वापस दुबई चला गया। सर क्या पिछले चार साल में वो इंडिया में आया, उन्होंने देखो लिखा हुआ जी, एज्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज्यूम 370 डेज इन 4 इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर और 700 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर अगर ये क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा होता, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो, क्योंकि सर क्वेश्चन में ऑलवेज दिया होगा पिछले चार साल में कितने हैं और पिछले सात साल में कितने हैं, क्योंकि हमें एडिशनल कंडीशन भी तो देखनी पड़ेंगी ना, और पिछले चार साल में 365 दिन देखने होंगे तो ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होगा। देखो उसने क्वेश्चन में बोल ही दिया कि 370 डेज पिछले चार साल में है और 700 दिन जो हैं पिछले वो सात साल में है। अब आगे बढ़ते हैं, मिस्टर विनोद हैज द फॉलोइंग इनकम, मिस्टर विनोद की इनकम दी हुई है जी। अच्छा ये इनकम कोई बताएगा किस लिए दी हुई है, ये इनकम जो है किस लिए दी हुई है, ये इनकम इसलिए दी हुई है कि उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। अब देखो जी इनकम अराइज इन इंडिया 7 लाख, तो ये इनकम काउंट करेंगे क्योंकि फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं है, 7 लाख हो गया। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, तो ये भी फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं है, 6 लाख ये भी काउंट करेंगे।
हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है सर? इनकम रिसीव बाहर की है, बट उसको माना गया है इंडिया में कमाया हुआ। तो अगर इंडिया में कमाया गया माना गया है, तो ये फॉरेन सोर्स की इनकम में कवर नहीं होगी, तो ये इनकम भी काउंट करेंगे। इनकम अराइज दुबई, कमाई बाहर, नॉट रिसीव इन एंड डीम टू बी अराइज इन इंडिया। अच्छा, मतलब ना तो इंडिया में रिसीव की है और ना ही इंडिया में कमाया हुआ माना गया है, 30 लाख रुपए। तो ये है फॉरेन सोर्स की इनकम, तो ये हमें काउंट नहीं करनी बस, क्योंकि उसने क्या कहा था, टोटल इनकम काउंट करनी है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के। तो फॉरेन सोर्स की इनकम कितनी आ गई, 30 लाख, उसको बाहर निकाल दो। बाकी इनकम देखते हैं, 7 और 6 कितनी हो गई, 13 लाख हो गई जी। अब आगे, इनकम अराइज इन दुबई, कमाई बाहर है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बट उसका बिजनेस कंट्रोल जो है वो इंडिया में है, तो 11 लाख ये भी काउंट होगा सर, ये भी काउंट होगा। याद करो मैंने कहा था फॉरेन सोर्स की इनकम में हर इनकम आती है जो बाहर कमाओगे, बट कुछ इनकम नहीं आती। उसमें एक इनकम ये भी थी कि ऐसी इनकम जो कमाई बाहर है कंट्रोल इंडिया में है, वो फॉरेन सोर्स की इनकम का पार्ट नहीं बनती। ठीक है जी, अब देखो जी यहाँ पे 7, 6, 13 और 11, 24 लाख रुपए की इनकम आ गई जी, ऐसी इनकम जो फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के है। सीधो के बैठो, रही है फटाफट से। अब बताओ जी, 24 लाख की इनकम है, 24 लाख क्या 15 लाख से ऊपर है या क्या है? 24 लाख 15 लाख से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अब अगर 24 लाख 15 लाख से ज्यादा है, तो अब ये पर्सन, ध्यान सुनना, अब ये पर्सन रेजिडेंट तब माना जाएगा अगर ये 120 डेज या उससे ऊपर होगा। अगर ये 120 डेज या उससे ऊपर होगा, क्योंकि अगर 120 डेज से कम होगा फिर ये एनआर है, फिर ये एनआर है, बस ये बात ध्यान देना जी। देखो जी, अब वो आया कब है जी, 15 जून को, और वापिस कब गया है, 16 अक्टूबर को। तो अगर 15 जून को आया, तो मैंने कहा जिस दिन आया था, याद करो क्लास में जी, जिस दिन वो आया था वो दिन भी इंडिया में काउंट करते हैं, जिस दिन वो गया वो दिन भी इंडिया में काउंट करते हैं। तो जून में 30 दिन होते हैं, तो 15 जून को आया, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन तो ये हो गए, और 10, 16 दिन हो गए जून में, 16 दिन जून में हो गए जी। जुलाई में 31, अगस्त में 31 जी, सितंबर में 30, अक्टूबर में 16 तारीख को वो चला गया, तो 16 ही हो गए। एक बार चेक करना कितने दिन हो गए जी, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ कितने दिन आ रहे हैं जी, जून में 16, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 16, तो ये 124 दिन आ रहे हैं जी। हाय हाय, मजा आ गया जी, 124 दिन आ गए। अब सोच के बोलना, अगर ये पुराना लो होता, नालायक, गाल पकड़ के खींच दूंगा, बच्चा सोने की तैयारी कर रहा है यार, मुझे गुस्सा आ रहा है, इधर सीधे होके बैठो। अगर ये पुराना लो होता, हेलो, अगर ये पुराना लो होता तो 182 डेज चेक करते, यस या नो? यस। अगर ये पुराना लो होता तो 182 डेज चेक करते। अब अमेंडमेंट के बाद अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 120 डेज चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। साहब, ओ साहब, ओ मेरे साहब, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो 120 डेज चेक करेंगे, 124 दिन हैं, और पिछले 4 साल में 370 दिन हैं, तो ये रेजिडेंट बन गया जी, ये रेजिडेंट बन गया। बट रेजिडेंट बनने के बाद क्या बना, आर एन ओ आर बना, रेजिडेंट बन गया और आर एन ओ आर बना, क्योंकि सब जानते हैं रेजिडेंट बनने के बाद ये आर ओ आर नहीं बनेगा, ये आर एन ओ आर बनेगा। तो देखो जी, आपको मैं दिखाता हूँ, स्टे इन इंडिया 15 जून से 16 अक्टूबर, 124 दिन हमने काउंट किए, N365 डेज और मोर इन फॉर इमीडिएटली, तो ये बन गया रेजिडेंट। और ये किस कैटेगरी में कवर हो गया, देखो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया, आर और आर एन ओ आर बन गया। अब उसकी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी जी, ये वाली इनकम टैक्सेबल, ये वाली इनकम टैक्सेबल, और ये वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी। हाँ, ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि कमाई बाहर, रसीव बाहर की है, और कंट्रोल भी बाहर है, तो इंडिया में तो कुछ है ही नहीं। तो आर एन ओ आर के हाथ में ये वाली इनकम जो होगी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है? तो आर एन ओ आर के हाथ में अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वो भी टैक्सेबल। तो 24 लाख रुपए की इनकम आप टैक्सेबल करोगे, देखो आंसर आ गया 24 लाख। ये क्लियर हो गया? एक बच्चा कहता है, यार अगर सर मेरा क्वेश्चन सुन लेना, आज मैं 11 रुपए का प्रसाद पक्का चढ़ाऊंगा, बिना 11 रुपए के प्रसाद के सुन लूंगा। नालायक, बताओ क्या क्वेश्चन है? कहता सर इधर आओ। मैं कहा हाँ बताओ। कहता सर अगर मान लो, जैसे अब यहाँ पे इनकम 24 लाख आ रही है, अगर ये 24 लाख की बजाय मान लो इनकम 15 लाख से कम होती, क्योंकि जो 120 डेज वाला लो है वो तो 15 लाख के बाद लगता है ना, ठीक है? अब अगर मान लो 15 लाख से कम होती तो क्या होता, फिर 182 डेज ही चेक करते।
फिर तो 182 डेज ही चेक करते, क्योंकि मैंने कहा था अगर 15 लाख तक इनकम है तो पुराना ही लो लगेगा 182 डेज वाला। देखो मैंने लिखा भी है, आपका डाउट देखो जी। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर विनोद एंड व्हाट विल बी योर आंसर इफ अबव इनकम इज लेस देन 15 लाख अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। अब अगर 15 लाख से कम होती तो 182 डेज चेक करते ना। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं जी, 124। आपने बोल देना क्या बन जाता, ये एनआर बन जाता। और अगर एनआर बनता, सोच समझ के बोला, अगर ये एनआर बनता तो ये वाली इनकम तो टैक्सेबल होती, ये वाली इनकम भी टैक्सेबल होती, बट ना तो ये 30 लाख टैक्सेबल होते ना ही ये 11 लाख टैक्सेबल होते सर, क्योंकि 11 लाख रुपए एनआर के हाथ में इसलिए टैक्सेबल नहीं होते क्योंकि कमाई बाहर है, रसीद बाहर की है, चाहे कंट्रोल इंडिया में ही क्यों ना हो। क्योंकि कंट्रोल वाला पॉइंट मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, सिर्फ आर एनओआर वाले केस में चेक करते हो। तो आप देख लो जी आंसर, ये देखो, यस आंसर विल बी डिफरेंट। आंसर लगो था सिंस मिस्टर विनोद विल बिकम नॉन रेजिडेंट और जो अमेंडमेंट नोट अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होती, टोटल इनकम जो बनती है वो 13 लाख टैक्सेबल होती एनआर के हाथ में, कब, अगर इनकम इसकी 15 लाख तक होती तो। ठीक है, तो इस तरह के सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर। अब बच्चा कहता है सर वो एक केस नंबर 2 भी तो था, केस नंबर 2 रह गया, केस नंबर 2 कर लो। 15 जून को आया, अब 18 दिसंबर को गया जी। अब जून में कितने दिन हो गए, जून में जी, जून में हो गए 16, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 18। अब देखना कितने दिन हो गए जी, तो 16 प्लस में 31 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 18, तो ये तो हो गए 187। लो जी ये तो 187 हो गए जी। तो अगर 187 हो गए, ये तो 182 डेज और मोर हो गए जी। ये तो चाहे इनकम 15 लाख से कम हो चाहे 15 से ज़्यादा हो, ये तो दोनों ही केस में रेजिडेंट बन गया, क्योंकि अगर 187 है तो 182 से ऊपर हो गए ना, तो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, वैसे ही रेजिडेंट बन गया चाहे इनकम 15 लाख से कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखो जी मैंने क्या लिखा है, ये बन गया रेजिडेंट। और आर एन ओ आर क्यों बना जी, आर एन ओ आर क्यों बना, क्योंकि देखो पिछले 7 साल में 730 है, 700 हैं, तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो नहीं रही, और अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही इसलिए ये बन गया आर एन ओ आर, तो 24 लाख रुपये इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। ये केस नंबर 2 है जी। ठीक है, तो अगर इनकम 15 लाख से कम ही भी हो या 15 लाख से ज्यादा ही हो, अगर 187 डेज हैं तो फिर हर केस में ही रेजिडेंट बनेगा। हाँ 124 जो वहां पे, जहां पे 124 दिन था वहां दिक्कत थी, ठीक है ना, क्योंकि 124 दिन वाली कंडीशन, 120 दिन वाली कंडीशन सिर्फ लगती ही तब है जब इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, बट इस केस में तो 187 हो गया, तो भाई तेरी इनकम चाहे 15 लाख से ऊपर है चाहे 15 से कम है तो दोनों कंडीशन में कवर हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा रेजिडेंट और आर एन और बनेगा, तो इनकम 24 लाख टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है जी। अब मैं चाहता हूँ ये एग्जाम्पल आप उतार लो, ये लो इसको मैं थोड़ा साफ कर दूँ। ये लो जी, ये लो जी, अब ये एग्जाम्पल, पहले तो यहाँ तक मैं पॉज कर देता हूँ, यहाँ तक लिख लेना जी, और ये मत सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम उठा के देख लो जी। इस बार के बड़े बड़े क्वेश्चन बने हैं और सेम इस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। अमेंडमेंट मैंने फुली अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन डाला है ताकि मेरे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा जी, ये मॉड्यूल में कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आप चेक कर लेना सीएस का मॉड्यूल, वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी बुक से उनको मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म बनने के चांसेज है, एक बात ध्यान देना। इवन जो सीए का मॉड्यूल है वहाँ का क्वेश्चन है, ये लगा लो, ये क्वेश्चन सीए का है, बट मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मॉड्यूल में दिया नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बच्चा कहेगा ये कहाँ से क्वेश्चन बन गया, तो पहले ही हम अमेंडमेंट क्लास में कर लेते हैं, कि जिसने अमेंडमेंट क्लास भी देखी होगी ना, चाहे रेगुलर बैच ना भी लिया हो तो भी वो सोल्व कराएगा। लो जी, अब मैं यहाँ तक ये ऊपर कर देता हूँ जी, ठीक है, अब यहां तक लिख लेना, और ये इसका आंसर है, ये लो ये इसका आंसर है जी। मैं आंसर थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि जब आप घर में एक बार दोबारा से रिवीजन करोगे
अरे कई बच्चे भी चैट बॉक्स में फिर लिखना स्टार्ट हो गए हैं। चैट बॉक्स में पता क्या लिख रहे हैं कि सर एक बार दोबारा से प्रोविज़न रिवाइज़ करवा दोगे? ठीक है। अरे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन अगर इस तरह का बना तो क्या हमें सोल्व हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इस क्वेश्चन को आपने एक काम करना है, घर जाके दोबारा से बिना आंसर देके ट्राई करना खुद निकालने, बट पहले प्रोविज़न रिवाइज़ करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, आप ये मत समझना कि 1 सवा घंटे की अमेंडमेंट क्लास में ठीक है आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको दोबारा से पहले पुराना लॉ पढ़ना है, फिर साथ में बैठ के अमेंडमेंट क्लास देखनी है, फिर ये क्वेश्चन करना है। गारंटी दे रहा हूँ आपको इस तरह का फील होगा ना कि आप क्वेश्चन कहीं से बन जाए, आप गलती नहीं करोगे। बट डिटेल में पढ़ना जी, आराम से 1 घंटा पूरा लगा देना। अगर 1 घंटा मैंने लगाया है तो आपको आधा पौना घंटा लगाना पड़ेगा रिविजन के लिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, लो जी। ठीक है, अब यहां तक हो गया जी? इधर सुना ध्यान से, हो गया यहां तक? ये लो जी, अब सुना ध्यान से। अब यहां पे ना, इधर देखो, अब लिखो जी, यहां पे लिखो मेरे साथ, लिखो क्रक्स ऑफ सेक्शन 6(1) एक्सेप्शंस एंड 6(1)(a)। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है जी? क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? पहला, इंडिविजुअल प्लस इंडियन सिटीजन नोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताओ पहले, मैं कितनी बार बोलूंगा आपको नोटिंग करनी है? उठाओ नोटबुक फटाफट से, उठाओ और लिखो मेरे साथ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा जी। ये नोटिंग मेरे साथ करनी है, चाहे बाकी बाद में कर लेना, ये नोटिंग साथ में करो। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन प्लस लेफ्ट इंडिया प्लस एम्प्लॉयमेंट पर्पस। यहां लिख लो ओल्ड लॉ और यहां लिखो न्यू लॉ, 182 डेज और मोर, पहले भी था आज भी है। अब ये क्रक्स ना आपको समझ में तब आएगा जब आपने पहले डिटेल में पढ़ लिया। अगर मैं पहले ही 15 मिनट के अंदर अमेंडमेंट खत्म करवा देता ना, आपको समझ नहीं आता हो क्या गया। ठीक है, तो आपको क्रक्स भी समझ में आएगा और आपको ये भी लगेगा कि हाँ भाई अब हमें वाकई इस डायग्राम का फायदा हो रहा है। दूसरा, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप 182 डेज और मोर, वन एट्टी टू डेज और मोर, पहले भी सेम था आज भी सेम है, कोई चेंज नहीं है जिसके अंदर, कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो क्लियर हो गया ना? देखो अब क्लैरिटी हो रही है कि कहाँ चेंज आया है, कहाँ चेंज आया है। तो यहां तो पहले भी सेम था, आज भी सेम है, कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अब तीसरा, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन प्लस विजिट इन इंडिया टोटल इनकम, टोटल इनकम ब्रैकेट में एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख। अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है तो पहले भी 182 डेज और मोर था, आज भी
182 डेज और मोर ही है। हमारा डायग्राम बनाने मजा। बच्चा कह रहा सर वाकई मतलब अब ये क्लैरिटी हो रही है सर, इसको क्लैरिटी बोलते हैं। तो ये क्लैरिटी पता कब होती है, जब पहले आप डिटेल में लो पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो सर टाइम लगाने का एक, अब देखो जो बच्चे लास्ट तक बैठे हैं उनको ये फायदा होगा, जो पहले उठ के भाग गए उनको मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो सर जो बच्चा लास्ट तक बैठे उसे कम से कम फायदा तो हो। ये अगर ये, अब देखो अब ये आप एग्जाम से पहले 1 मिनट भी पहले पढ़ लोगे ना, मतलब आधा घंटा पहले पढ़ लोगे, तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा। चौथा देखो जी, इंडिविजुअल प्लस में इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इन इंडिया प्लस टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख। तो यहां पे पहले क्या था री, पहले 182 डेज और मोर था पहले। अब यहां पे कह रही, अब मैं ग्रीन में लिख रहा हूं जी, अब अमेंडमेंट ग्रीन में लिख रहा हूं, अब है न्यू लॉ में 120 डेज, ठीक है, और मोर प्लस में 365 डेज और मोर एंड सॉरी 365 डेज और मोर इन फॉर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर लोच। अब ये लो है, सिर्फ ये अमेंडमेंट आई है, देखो एक तो ये अमेंडमेंट आई है जी। देखो अब कमाल की बात देखो जी, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं, कमाल की बात देखो, ये लो आपके सामने है जी, ये लो आपके सामने है। अब देखो अमेंडमेंट सिर्फ ये आई है, इतनी से अमेंडमेंट को समझाने के लिए 1 घंटा लग गया, सिर्फ ये अमेंडमेंट आई है बस। अमेंडमेंट देख लो सर क्या है सर, अब रटवाने में रटवा सकता हूं मैं आपको कि हाँ भाई 15 लाख तक हो तो ओल्ड लो कर लेना, 15 लाख से ऊपर हो ये लो कर लेना, रट गया। बट इस तरह से रटा थोड़ा जाएगा सर, एक हफ्ते बाद फिर आप फिर भूल जाओगे, बट जो आपने डिटेल में समझा है वो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद एक अमेंडमेंट अभी और भी आई है, ये तो है पुराने लो में क्या अमेंडमेंट आई है, अब नया सेक्शन भी तो आया है। नया सेक्शन क्या है लिखो, पांचवा इंडिविजुअल प्लस इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन नहीं सिर्फ इंडियन सिटीजन, प्लस टोटल इनकम, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख प्लस नोट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो वो क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा अब डीम्ड रेजिडेंट। लो जी वो बन जाएगा डीम्ड रेजिडेंट, वो बन जाएगा डीम्ड रेजिडेंट। ये अमेंडमेंट एक आई है, और ये सेक्शन है नया सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है अंडर सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, ठीक है जी। ये अमेंडमेंट आई है, और अमेंडमेंट और क्या आई है जी, अब जो ये है ये अमेंडमेंट, जो इस पर एक स्टार बनाना, इस पर एक स्टार बनाओ और इस अमेंडमेंट के ऊपर भी एक स्टार बनाओ, और इसको यहां पे डिफाइन कर लो, इसको ये स्टार बना के डिफाइन करो। अब ये बनेंगे डीम्ड आर एन ओ आर, इनको हम आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर करेंगे जी, इनको हम आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान देंगे जी। तो सर ये करक्स है पूरी की पूरी अमेंडमेंट का, ठीक है। उम्मीद करूंगा अब आपको अमेंडमेंट समझ में आ चुकी होगी। तो अमेंडमेंट पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में बस ये दो अमेंडमेंट आई हैं, ठीक है। 120 दिन हो चुके हैं कुछ जगह पे, ठीक है, और एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 6(1) कैपिटल ए, बस ये अमेंडमेंट है, ठीक है। वैसे अमेंडमेंट काफ़ी कम टाइम की थी, बट मैंने टाइम लगाया ताकि आपको समझ में आए। उसके बावजूद भी कोई डाउट आ रहा है, वैसा मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट होगा, इसके बावजूद भी कोई डाउट आए तो आप मुझे बताओगे, ठीक है जी।
यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से जी। बोस उस एग्जाम्पल को सही ढंग से कर लेना, या ऐसा करो एग्जाम्पल लिखो चलेगा। एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ जी मैं, दो एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ, अपने घर से करके आने हैं, ठीक है? यहाँ तक पोज करके लिख लेना जी। दो एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ, आपने घर से करके आने हैं। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, मिस्टर बादाम, मिस्टर बादाम इंडियन सिटीजन है, मिस्टर बादाम इंडियन सिटीजन है, विजिट इन इंडिया 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई को वो इंडिया में आया, एंड रिटर्न टू दुबई, रिटर्न टू आउटसाइड इंडिया, वो है मान लो 18 दिसंबर 2020। मतलब मिस्टर बादाम इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में विजिट कर रहा है 15 जुलाई को, और फिर वापस बाहर चला गया जी 18 दिसंबर 2020 को, ठीक है? हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, केस नंबर वन है 11 लाख, केस नंबर टू है 18 लाख। एज्यूम हिज टोटल स्टे इन फोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर 380 डेज। लो जी, आपको क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर बादाम, ठीक है जी? अब मिस्टर बादाम का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, ठीक है जी? क्वेश्चन आपके सामने, 15 जुलाई को वो इंडिया में आया है, 18 दिसंबर को वापस चला गया, आपको ये बताना है अगर उसकी इनकम 11 लाख है तो क्या होगा, 18 लाख है तो क्या होगा। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सर एक और क्वेश्चन दे दो ना प्लीज। ओके, बच्चों के सामने सर की कहाँ चलती है? बच्चों के सामने सर की चलती ही तो नहीं है। ये लो एग्जाम्पल टू, और ये अपने घर से करके आनी है जी। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले मैं ऐसा करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना जी। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए, ताकि मैं बच्चों के नाम यहाँ बुलाऊं किन किन का सही है, ताकि मुझे पता लगे कि अमेंडमेंट कितनी समझ में आई है आपको, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर टू लिखो जी। मिस्टर काजू, ये है इंडियन सिटीजन, सिटीजन मिस्टर काजू एक इंडियन सिटीजन है, और रिजाइडिंग इन दुबई सिंस 1995, सिंस 1995, ठीक है? ही विजिट इन इंडिया, ही विजिट इन इंडिया, ही विजिट इन इंडिया ऑन 15 नवंबर 2020 एंड रिटर्न टू दुबई ऑन 18 दिसंबर 2020, ठीक है जी? ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है जी, वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। इज
इनकम ब्रेकअप एज फॉलोस। उसकी इनकम का ब्रेकअप आपको दिया हुआ जी, उसकी इनकम का ब्रेकअप आपको दिया हुआ है। पहला इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख है इनकम, कमाई बाहर है, कंट्रोल इंडिया में है, 8 लाख रुपए। अब इसको फॉरेन सोर्स की इनकम मानोगे या नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, बट मैं डिटेल में पहले आपको बता चुका हूं जी। दूसरा इनकम अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो है 10 लाख। तीसरा जी इनकम अराइज इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम अराइज इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और वो हमारी है मान लो 9 लाख। ठीक है, अब आपको ये बताना है जी, क्या बताना है लिखो जी, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर काजू एंड कंप्यूट टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। उसकी इंडिया में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी वो आपको बतानी है, और काजू का स्टेटस बताना है जी। आपके सामने इनकम का ब्रेकअप दिया हुआ है, और वो कब इंडिया में आया, कब इंडिया से बाहर चला गया, वो दिया हुआ है। अब आपको अमेंडमेंट के बेस पे क्वेश्चन करने हैं। दोनों क्वेश्चन अमेंडमेंट वाले हैं, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया। उम्मीद करता हूं सर इतने क्वेश्चन करने के बाद ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है जी, आई थिंक आपको लॉ समझ में आ गया होगा, और प्लीज यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, ताकि मुझे पता लगे कि भाई अमेंडमेंट समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। देखो अब रेगुलर बैच में काफ़ी टाइम लगता है, बट हाँ आप मेरे YouTube फैमिली के लिए मेंबर हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये फील हो कि हाँ सर मतलब शॉर्टकट में करा दी, क्योंकि मैंने कहा है डिटेल में, तो मतलब डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैंने सफिशियंट टाइम लगाया है जी, मुझे उम्मीद है मैंने सफिशियंट टाइम लगाया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आ गई होगी ना तो प्यार करके जाना जी, ठीक है, लाइक करके जाना। और कई बच्चे हैं जो नालायक, वही अपना काम करेंगे, उनका एक कर्म बन चुका है। चलो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, और इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, और फिर मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। तो अमेंडमेंट क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच जो बच्चे लास्ट तक बैठे हैं। उम्मीद करूंगा लास्ट में जो हमने करक्स डायग्राम बनाया बहुत काम आया होगा जी। क्वेश्चन दिए हैं, आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे देना, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अमेंडमेंट करेंगे अगले चैप्टर की, सैलरी के चैप्टर में अमेंडमेंट्स क्या है। उसमें सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट है, तो मैक्सिमम वो आधे घंटे की क्लास होगी, बट हाँ अमेंडमेंट छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो तो एक बार सैलरी का ऐसा करना, प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आना बस, सैलरी का प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, बाकी अमेंडमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू सो मच जी, बाय बाय, थैंक यू यार, इतना टाइम आप देते हो।